एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी मर्ज होने जा रही है। अगर आप एचडीएफसी के अकाउंट होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर अगर आपने परचेज किए हुए हैं, टोटली अगर आपका एचडीएफसी से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एचडीएफसी के अकाउंट होल्डर हैं तो मर्ज होने के बाद में अकाउंट होल्डर पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अगर आपने एचडीएफसी बैंक के शेयर परचेज किए हुए हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर अगर आपने परचेज किए हुए हैं तो आपको वापस शेयर कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और गाइस जो भी शेयर प्राइस होगी वो क्या रहेगी, और स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी का नाम लिस्टेड रहेगा, डीलिस्टेड कौन सी कंपनी रहेगी, ऐसे ही कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। तो गाइस इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। अब गाइस बात करते हैं एचडीएफसी अकाउंट होल्डर के बारे में। अगर आप एचडीएफसी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आपको यहां पर आमतौर पर कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गाइस मर्ज होने से पहले एचडीएफसी का मार्केट कैप लगभग 8.35 लाख करोड़ के आसपास में था, लेकिन मर्ज होने के बाद में यही मार्केट कैप बढ़ जाएगा, उसी के कारण आपको यहाँ पर प्री अप्रूवेड ऑफर का बेनिफिट मिल सकता है। जब बैंक के पास में ज्यादा कैपिटल होता है तो वो अपने अकाउंट होल्डर को समय समय पर अधिकतर ज्यादातर ऑफर प्रोवाइड करता रहता है, और प्री अप्रूवेड ऑफर का आपको पता ही है, जब आपको अपने सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूवेड ऑफर मिलते हैं तो उस ऑफर के थ्रू आप विदाउट किसी इनकम प्रूफ के पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या फिर आप टू व्हीलर लोन, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। तो गाइस यही बेनिफिट आपको मर्ज होने के बाद में मिल सकता है। तो अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो अभी से मेंटेन करना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को अभी से मेंटेन करेंगे तो जो भी मर्ज होने का प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, यहाँ पर मैक्सिमम 18 मंथ का टाइम लग सकता है, क्योंकि जो भी अप्रूवल होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो होने जरूरी है, जैसे कि आपका आरबीआई हो गया, सेबी हो गया या फिर एचडीएफसी के शेयर होल्डर है, इन सभी का अप्रूवल होना जरूरी है, और इन सभी प्रोसेस में लगभग मैक्सिमम 18 मंथ का प्रोसेस लग सकता है। तो आपके पास में अगर एचडीएफसी का अकाउंट नहीं है तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके घर बैठे आप एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने का मैंने आपको डेमो वीडियो भी प्रोवाइड किया था, उस लिंक के थ्रू आप घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो गाइस ये अभी आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आप फ्यूचर में इन फ्यूचर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, इन सभी लोन को अगर आप विदाउट किसी इनकम प्रूफ के लेना चाहते हैं, प्री अप्रूवेड ऑफर के बेस पर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस यही बेनिफिट एचडीएफसी बैंक के अकाउंट होल्डर को देखने को मिलेंगे। वैसे तो एचडीएफसी बैंक में पहले भी प्री अप्रूवेड ऑफर काफी लोगों को मिलते थे और मिलते हैं, लेकिन मर्ज होने के बाद में यही चांस आपका बढ़ जाएगा। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप अपना सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में जरूर ओपन करें अगर आप प्री अप्रूवेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं। वही अगर हम बात करें एचडीएफसी लिमिटेड शेयर की, अगर आपके पास में पहले से एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर हैं तो 25 शेयर पर आपको यहां पर 42 शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे एचडीएफसी बैंक के। एचडीएफसी बैंक के शेयर है वो आपके वैसे ही रहेंगे, और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर अगर आपके पास में है तो उसको कन्वर्ट करके आपको यहां पर 42 शेयर दिए जाएंगे। अब 42 शेयर आपको क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि एचडीएफसी की जो शेयर प्राइस है वो एचडीएफसी बैंक से काफी ज्यादा है, तो उसको कैलकुलेट करके वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज होता है ऑटोमेटिकली, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। इन फ्यूचर इनमें बदलाव आ सकता है तो आप न्यूज से जरूर अपडेट रहे अगर आपके पास में शेयर है। अभी के टाइम में जो करंट खबर थी वो मैंने आपको बता दी, और इसमें थोड़ा टाइमिंग रहता है, लगभग यहाँ पर
18 मंथ का तो प्रोसेस रहेगा, इससे पहले भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम इतना तो होता ही है। यानी कि लगभग यहाँ पर आपको दोनों का मर्ज 2023 में देखने को मिलेगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए।